नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल हेल्पर क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। आज मेनली हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आज के समय पर सबसे सिक्योर फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स के लिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग का। कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा नहीं है अभी, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं, क्योंकि इंटरनेट की जो तादाद है हमारी कंट्री के इंटरनेट यूजर्स की और इंटरनेट कंज्यूम करने की, ऑल ओवर वर्ल्ड सेकंड रैंकिंग आ चुकी है जब से जियो आया है। अगर 2017-18 का जो आंकड़ा आया है उसे देखेंगे तो इंटरनेट की ग्रोथ जे कर्व में आई है। जे कर्व ऐसे चलता है ऊपर की साइड। तो अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में जे कर्व ग्रोथ में आ जाए तो इस बिजनेस के बढ़ने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इंटरनेट आजकल हर गांव, हर घर में पहुंच चुका है, तो इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, उससे रिलेटेड जानकारी लेना ज़रूरी है, जिससे हमें फ्यूचर में जॉब मिलने में आसानी हो जाए। देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, इसके कोर्स कहां से कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री में इनके कोर्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देख लीजिए, जिससे आप समझ सको कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल मार्केटिंग नॉर्मली एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग के बारे में आप जानते होंगे। मार्केटिंग में वो एक्टिविटी आती हैं जो प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टार्ट होती हैं। मतलब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, कंपनी ने फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना दिया, सारी मशीन वगैरह यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया। अब इसे मार्केट में बेचने तक का प्रोसेस पूरा मार्केटिंग कहलाता है। अब बात आती है कि ये तो मार्केटिंग हो गई, पर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो डिजिटली किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। कैसे? इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस के सेलिंग को किस हिसाब से डिजिटली इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो, आप इंटरनेट पर अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ डिजिटली ग्रो कराना सिखाया जाता है एक बिजनेस को। एक नील पटेल नाम से एक इंसान है, और वो मेनली क्या काम करते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे कहते हैं हम आपके रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। वो कैसे रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, वो उन कंपनियों की वेबसाइट की रैंकिंग को हाई करते हैं, कब एडवर्टाइजमेंट देना है, डिजिटली एडवर्टाइजमेंट कौन सी जगह पर देना है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके कंपनियों के प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ा देते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या सिखाया जाता है उसकी भी बात कर देते हैं। मेनली डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को 3 स्टेप में सिखाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि केवल उन सर ने तो बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इतने दिन का है, हम इतने दिन का कर लेंगे और ये जॉब मिल जाएगी, अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। मेनली मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 3 स्टेप में डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है बिगनर, मतलब आप बिगनर्स हो तो आपको एक स्टेज दे दी जाए कि बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में क्या से क्या सिखाया जाएगा। बिगनर्स को मेनली सिखाया जाता है इंटरनेट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसके अंदर जो टॉपिक आप कवर करने वाले हो तीनों स्टेप में, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया जाता है। जब आपका ये बिगनर का स्टेप ख़त्म हो जाता है, ये मेनली 40 से 45 दिन का कोर्स हो सकता है। यहाँ से अब जब ये 40 से 45 दिन का कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है नॉर्मल। नॉर्मल में आपको प्रैक्टिकल पर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दिया जाता है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को समझाया जाता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे वेबसाइट पर आर्टिकल डाले जाते हैं, SEO क्या है और SEO कैसे करते हैं। मतलब थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट स्टेज पर। अब फाइनल आता है एडवांस स्टेज। अब एडवांस स्टेज में क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे एडवांस SEO
और आपको वेबसाइट की कोडिंग करना, डिजाइनिंग करना, एडवांस डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है, थीम्स बनाना, अगर शॉपिंग साइट बना रहे हो तो उसकी थीम्स और बैक लिंक्स वगैरह के बारे में, जो एडवांस बैक लिंक्स होते हैं उनके बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं, वायरल करना बताया जाता है कि हाँ भाई कैसे एथिकली और अनएथिकली वायरल होते हैं कंटेंट, वो सारी चीज़ों के बारे में डिजिटल मार्केटिंग में बताया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा कोर्स है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग का जब कोर्स करने जाते हैं ना, तो किसी भी छोटी सी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो फीस बहुत हाई चार्ज करते हैं। अब हर किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो जितना फीस मांगे उतना आप दे सके, क्योंकि अभी जो एवरेज फीस चलती है तो बिगनर्स की जो 45 दिन की फीस होती है वो 20,000 रुपये होती है, फिर नेक्स्ट लेवल आता है उसकी ज़्यादा होती है, फिर एडवांस आता है तो उसकी और ज़्यादा होती है। तो हर कोई फीस तो पे नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकें? सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट पढ़ाए उसकी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स कराती हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराती हैं। ये खुद आपको सर्च करना होगा कि आपको किससे सीखना है। थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी वेबसाइट या कौन सा यूट्यूब चैनल आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छे से करा सकता है। तो इस चीज़ की रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, वो आप खुद कर भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्टिंग से एडवांस तक कर लेते हैं तो हमें जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी कितनी होती है। दोस्तों हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पर। देखो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं, पर उसमें सीखना एक बड़ी बात होती है। जो उन्होंने सिखाया है, कंटेंट को रैंक करना, SEO करना, वेबसाइट डिजाइन करना, और जो ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है, अगर उसे आप अच्छे से कर सकती हो और किसी भी कंपनी को शो करा सकते हो कि हाँ हम आपके लिए बेनिफिशियल हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, तो आपके 100% जॉब लग जाएगी। अगर कोई ज़्यादा सीख लेता है तो वो लोग जॉब करना पसंद नहीं करते। अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अच्छे से किया है तो वो कभी जॉब करना पसंद नहीं करते, वो खुद का सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंड इतना क्रिएटिव हो जाता है कि हर समय उनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और सोचते हैं कि हमें इस टॉपिक पर हम अपना सेटअप बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के कन्फ्यूजन से अब तक जूझ रहे थे। अब आशा करता हूँ कि आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट करके कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं देख सकूँ आपको क्या कन्फ्यूजन है और उन कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो का थोड़ा वेट करें, वीडियो आ जाएगी। आप अपना टॉपिक दें जिस टॉपिक पर आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हो, समझना चाहते हो, और जो भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में कमेंट में लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।